मुंबई में वेब शो की स्क्रीनिंग होस्ट की गई, जिसे अटेंड करने के लिए बॉलीवुड से लेकर टीवीपुर तक के कई सितारे इस मौके पर नजर आए। सबसे पहले आपको करिश्मा कपूर की फैमिली से मिलवा देते हैं। लोलो मेंटलहुड से डिजिटल वर्ल्ड पर डेब्यू कर रही हैं। लोलो के साथ साथ ये सीरीज उनकी फैमिली के लिए भी काफी स्पेशल है। करिश्मा की मॉम बबीता, बहन करीना, भाई आदर और बेटी समायरा स्क्रीनिंग पर मौजूद रहे। करीना ने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले लोलो की सीरीज पर बात की। आई थिंक एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है लोलो को लेकर, खास करके क्योंकि आई थिंक वी ऑल हैव एज फैंस वेटेड फॉर हर टू वॉच हर ऑन स्क्रीन ऑन टीवी। वी वॉन्टेड हर टू कम बैक फॉर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, सो आई एम एज एक्साइटेड एंड नर्वस एज शी इज। मैं जानती हूँ कि वो बहुत नर्वस है, बट आई थिंक मेंटलहुड इज सच अ टॉपिकल एंड इट्स सच अ रेलिवेंट टॉपिक टुडे, खास करके हम मॉम्स के लिए। सो आई थिंक ऑफकोर्स आई एम हियर टू सपोर्ट Karishma, but I'm here to support the entire team for making this. And I think you know, all the moms. And all the all mothers. The moms out there. All the moms. Yeah, all the moms out there, the entire star cast, I think, and Ekta for making such a brave show. So I'm really happy and wish the entire team all the best. वैसे इस बार करीना भी अंग्रेजी मीडियम का हिस्सा है। मिसेस खान ने ये फिल्म क्यों साइन की, सुनिए। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक आई एम वर्किंग विद इरफान। इरफान जैसे इतने ब्रिलियंट एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। आई थिंक दैट फॉर मी इज़ द ग्रेटेस्ट ऑनर एंड दैट्स द रीज़न आई डिड दिस फिल्म ऑल्सो। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द रिलीज। बेबो और लोलो को ऑडियंस साथ देखने के लिए बेकरार है। फैंस इन्हें लंबे वक्त से साथ देखना चाहते हैं। ऐसे में करीना और करिश्मा कब साथ आएंगे, ये आप इन्हीं से सुन लीजिए। आई थिंक दैट वीव ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क टुगेदर, बट ऐसे एक स्क्रिप्ट या कुछ हुआ नहीं है अभी तक। वी नॉट लाइक्ड एनीथिंग, बट somebody should come with a great script. A good script. Then we can consider. मेंटलहुड की स्क्रीनिंग पर करिश्मा की खास दोस्त अमृता अरोड़ा भी आई। मिस अरोड़ा ने इस मौके पर मेंटलहुड की जमकर तारीफ की। About time we needed a good story on mothers and their lives. मतलब एक फैमिली दूसरे फैमिली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, यू नो, एंड मदरहुड इज ऑलवेज वेरी डिफरेंट, वेरी पर्सनल। तो आई थिंक दिस इज समथिंग की एवरी मदर विल रिलेट टू एंड हैव फन वॉचिंग एज वेल। शो में डीनो मौर्या भी हैं और डीनो किसी और का नहीं बल्कि तुषार की लाइफ से इंस्पायर्ड रोल ही प्ले करते नजर आएंगे। हाँ, एक्टिंग को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये तो खासतौर पर मेंटलहुड जब कहानी लेके आए मेरे सामने मेरे पास तो मैं बहुत खुश था, बिकॉज एक तो ये शो, ये वेब सीरीज जिस तरह मैं किरदार निभा रहा हूँ इसमें बहुत बेहतरीन किरदार है, बहुत बढ़िया किरदार है। और वेब सीरीज हम सब जानते हैं कि आजकल जोर से चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि मेंटलहुड भी कुछ अच्छा चले। ये प्लेटफॉर्म, ये मतलब एक एक्टर के लिए बहुत बेहतरीन है मेरे ख्याल से, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म मतलब दुनिया के हर इंसान देख सकेंगे, क्योंकि अब अगर पिक्चर करोगे तो पिक्चर एक स्क्रीन पे मतलब थिएटर पे रिलीज़ होगी एक हफ्ते के लिए कम से कम, ये तो हमेशा रहेगा। और मुझे लगता है जिस तरह लोग देख रहे हैं आजकल उनके फ़ोन्स पे, उनके कंप्यूटर्स पे, तो ये हमारी फ्यूचर है कंटेंट का। तुषार स्क्रीनिंग पर खुद मौजूद रहे। तुषार ने अपने फैंस को होली की ढेरों बधाइयाँ दी। हैप्पी होली, लेकिन प्लीज़ पानी वेस्ट मत करो, सड़कों को गंदा मत करो, यू नो, लेट्स प्ले होली लिटिल मोर, यू नो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सोशल इशू है यार, अच्छा लगता है बोलना, लेकिन आई रियली फील कि वी हैव टू मेक आर कंट्री स्वच्छ एंड वी हैव टू सेव एंड कंजर्व एज मच ऑफ द रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल, सो लेट्स हैव अ मिनिमलिस्ट होली। मेंटलहुड की स्क्रीनिंग पर कबीर खान और मिनी माथुर भी मौजूद रहे। मिनी ने भी ऑडियंस को होली की बधाई दी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का मतलब यही होता है कि जो बुरा है वो खत्म हो जाए और अच्छा है वो आग से निकल कर बाहर आए। तो मेरी देश के लिए भी यही शुभकामनाएं कि सब ईवल खत्म हो जाए और होलिका की तरह सब गंदा जल जाए और अच्छा निकले। और ऑफ कोर्स होली मत खेलिएगा इस वक्त खुल के, कोरोना वायरस का जमाना है, बी सेफ। वेल, बाकी गेस्ट की बात करें तो मेंटलहुड की स्पेशल स्क्रीनिंग पर शमिता शेट्टी और हरलीन सेठी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।